हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू नो वेरी मच विलिंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ सी इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ योर ट्यूटर माई सेल्फ सी ए नीरज शाह बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एफ का सबसे पहला चैप्टर जो कि कंप्लीटली थियोरी चैप्टर है बट फिर भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एफ के बेसिक्स को समझने के लिए अगर एफ के पेपर की मैं बात करूं तो एफ के पेपर में लास्ट क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन भी आता है और वो थियरी जनरली फर्स्ट टू चैप्टर्स में से पूछी जाती है तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ चलिए एफ की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिवस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है पहले इसके इंडेक्स को समझ लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का उसके बाद हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कहाँ से करें देन वी हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज फाइनेंस फंक्शन जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शन देन वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनली वी हैव रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर एंड वन मोर टॉपिक दैट इज एजेंसी प्रॉब्लम तो इतनी चीजें हमें देखनी है इस चैप्टर के अंदर चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ध्यान से समझिए बच्चों कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है सो इन अ सिंपल वे इन अ वेरी सिंपल वे इफ आई एक्सप्लेन यू देन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्ड विथ एफिशियंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ द फंड सी फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल पैसा फंड राइट right? तो ये पैसा हमें कहां से एक्वायर करना है और फिर इस पैसे को कहां कहां पे एलोकेट करना है यानी कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन क्वेश्चन है विद द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर नेचुरली अगर आप कैपिटल लगाते हो आप बिजनेस की शुरुआत करते हो आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो आप क्या कमाना चाहोगे क्यों कर रहे हो ये सब ये सब चीज़ें प्रॉफिट के लिए की जाती है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी एक पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट के बारे में सोचे कैपिटल के ऊपर रिटर्न के बारे में सोचे अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक सिंपल डेफिनेशन आपको दूं, तो वो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के थ्रू देना ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेर टू गेट मनी फ्रॉम इट इज़ अ फाइनानसिंग डिसीज़न कहाँ से पैसा लाए वेयर टू इन्वेस्ट द मनी कहाँ पर पैसा हम इन्वेस्ट करें एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट द शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड अगर हमने कुछ अर्न किया है पैसे लेके आए पैसे का सही तरीके से सही प्रोजेक्ट में सही एसेट में सही बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया फिर हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया और वो प्रॉफिट का क्या करें प्रॉफिट हम ओनर को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर प्रॉफिट को की तरह घर के खर्चों में इस्तेमाल कर लें या फिर उस प्रॉफिट का करें सो so ये तीन मेजर क्वेश्चन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत होती है तो प्लीज बच्चों इसे याद रखना आप एग्जाम में ये तीन क्वेश्चन को एलोबोरेट करके अगर एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा सा थियरी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है तीन मेन क्वेश्चन और उससे तीन डिसीजन जुड़े हुए हैं मैं डिसीजन को कहता हूं एफ आई डी यानी कि फीड डिसीजन एफ होता है फाइनेंसिंग डिसीजन इसके साथ कौन सा सवाल अटैच हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो प्रॉफिट आप किसको कितना बांटना चाहते हो तो एफ आई डी फीड ये एफ आई एन फाइनेंस का एक मेन कारण है मेन यू नो पिलर है कि जिसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या उसकी डेफिनेशन टिकी हुई है तो ये क्वेश्चन को प्लीज याद रखिएगा अलग अलग ऑथरों ने सब अपने अपने हिसाब से दिया है बट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू डेफिनेशंस और मेजरली वन ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच इज गिवन इन दई सी स्टडी मटेरियल राइट सो देखिए सबसे पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग मैं निकालना चाहता हूं, बहुत इजी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजिस ऑफ फोरकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अंडरटेकिंग और ऑफ अ फर्म एंड कीपिंग विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपका जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है ना उसमें जितने भी चैप्टर के नाम होते हैं वो मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन ही तो है तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है वो सभी फंक्शंस हमको फॉलो करने हैं बट किसके लिए हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल एक्विजिशन एप्लीकेशन एंड रिजल्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए तो ये सभी चैप्टर्स के नाम हो गए पहले तो आपकी मैनेजमेंट की बुक का जो इंडेक्स है वो पूरा लिख दिया यहाँ पे दैट इज फोरकास्टिंग करो प्लानिंग करो ऑर्गेनाइजिंग करो डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ये सभी फंक्शंस आपको रन करने हैं बट ये सभी एक्टिविटी क्यों करनी है फाइनेंस के लिए फाइनेंस का एक्विजिशन से लेके एप्लीकेशन से लेके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तक राइट right? सब कुछ अगर आपको यू नो इंक्लूड कर लेना है इन सभी इन सभी फंक्शंस के अंदर तो वो एक होल्सम डेफिनेशन बन सकती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये तो थोड़ा हमने टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश की आई एम श्योर ये सब आपको याद तो आराम से रहेगा राइट आप चाबी हमेशा बना सकते जैसे अगर फर्स्ट वाले आप सभी लेटर को इसमें ले लेते हो तो इसकी चाबी बन जाती है एफ पी ओ डी सी सी राइट एफ पी ओ डी सी सी एफ पी ओ का वो आई आई पी ओ के साथ भी कहीं जोड़ के मन में याद रख सकते हैं नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी टेक्निक तो एफ पी ओ डी सी सी पहला हो जाएगा फोरकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सभी चीज़ें अगर आप एक्विजिशन और एलोकेशन के लिए करते हो तो वो डेफिनेशन बन जाती है बट एक आम आदमी के लिए और इवन एज अ स्टूडेंट हमारे लिए प्रैक्टिकल चीज़ क्या हो सकती है ये तो हमने बहुत ही अच्छा देखने वाला इंग्लिश पढ़ लिया बट दो चीज़ें मेन है बच्चों तो देखिए एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ समझ में ना आए तो ये दो चीज़ें हमेशा प्रैक्टिकली याद रखो फर्स्ट इज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड पैसा कहां से लाए एंड सेकेंड इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम फंड पैसा कैसे इस्तेमाल करें बट ये दो चीज मेन है राइट right? पैसा कहां से लाए दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और पैसा कहां पे यूटिलाइज करे दैट इज दैट इज द यू नो एप्लीकेशन ऑफ द फंड ये दो चीज हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती ही आती है एक दूसरे अगर नए जमाने की बात करूं तो इन टूडेज वर्ल्ड पॉजिटिव कैश फ्लोस दिस इज सो इंपॉर्टेंट ये वर्ड को समझना प्लीज हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरे एनालिसिस में से 99 परसेंट एनालिसिस पॉजिटिव कैश फ्लो पे ही होने वाले हैं सो इन टूडेज वर्ल्ड पॉजिटिव कैश फ्लो आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द प्रॉफिट ये प्रॉफिट जो है ना बच्चों वो फाइनेंशियल मैनेजर कभी अच्छा नहीं मानते प्रॉफिट इज अ फिगर ऑफ ऑल द इनकम एक्सपेंस ऐसा हम अकाउंट में सीखे थे एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी बताऊं लेकिन ये प्रॉफिट एक इल्यूजनरी फिगर भी हो सकता है ये प्रॉफिट एक इल्यूजनरी फिगर भी हो सकता है क्यों क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे सेल्स कर दो तो आपको प्रॉफिट दिखेगा जरूर बिकॉज सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन सच में क्या ये प्रॉफिट हमारे किसी काम का है अगर बेड डेट हो जाए हमारे डेटर हमको पैसा ही ना दे तो ये प्रॉफिट की डेफिनेशन पूरी वेग हो गई प्रॉफिट में काफी सारी नॉन ची नॉन कैश चीजें भी आती है जैसे डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट से माइनस करते हो लेकिन वो डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस के बाहर कहीं जाता नहीं है तो आप मुझे बताओ तो आप मुझे बताओ कि क्या इस डेप्रिसिएशन को गिन के हमें कोई फायदा हुआ क्या इस डेप्रिसिएशन को गिन के हमें कोई फायदा हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस के लिए ज़रूरी है ये देखना कि वो कितना कैश जनरेट कर सकता है बिकॉज़ अल्टीमेटली कैश ही एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके पास कम था और आपने प्रॉफिट के साथ ज़्यादा बना दिया उसी को तो बिजनेस कहते हैं मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ हो और मैं कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी करके हंड्रेड का वन फिफ्टी कर देता हूं तो वो मेरे लिए बिजनेस है बट वो हंड्रेड का मैं वन फिफ्टी करूँ जो वन फिफ्टी में से फिफ्टी रुपीज़ का प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल्स किया था तो ये अभी रिकॉर्डेड तो है प्रॉफिट लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं हुआ ये सब बातें फाइनेंस में नहीं करनी है तो नए जमाने का जो फाइनेंस है वो पॉजिटिव कैश फ्लो को इम्पोर्टेंस देता है वो कभी भी प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस देता नहीं है सो तो ये ध्यान रखना है एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टरों में हम सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो को ही देखने वाले है राइट सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्लानिंग ऑफ द बिजनेस इन सच अ वे दैट एन्श्योर्स द पॉजिटिव कैश फ्लो इन द फ्यूचर ईयर अगर आप आज बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस का फ्यूचर कैसा होना चाहिए बिजनेस का फ्यूचर ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर सके So, ये ओवरऑल मीनिंग ऑफ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछते हैं फाइनेंशियल हैं बच्चों दैट नेक्स्ट टॉपिक की ओर तो है. है, तो है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड अब प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है फंड को लेके आना राइट right? बिजनेस में फंड की एंट्री करवाना अब ये एकदम इजी है बच्चों इलेवंथ एंड ट्वेल्थ से ही आप जानते हो कि अगर किसी भी फंड को किसी भी बिजनेस को फंड प्रोक्योर करने हो तो उसके पास कौन से अलग अलग रास्ते हैं सबसे पहला रास्ता प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का है ओनर्स फंड मतलब इसको इक्विटी भी हम कह सकते हैं बिजनेस खुद पैसा लेके आए राइट ओनर्स फंड दूसरा है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड राइट ये आपका बोरो बौरौ, बोरोड फंड हो गया लोन जैसा हो गया कमर्शियल बैंक है उससे भी उधार पैसा ले सकते लोन्स हो गई वेंचर कैपिटल काफी वेंचरिस्ट जो होते हैं राइट जो नए आइडियाज में पैसा लगाते हैं उससे भी आप पैसा लेके आ सकते हो जिससे आप देखो तो काफी सारे शोज चलते जैसे उसमें से एक फेमस शो है इंडियन टेलीविजन का वो शार्क टैंक करके उसमें काफ़ी यू नो जो वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे होते हैं जिनके सामने यू you नो know, जो स्टार्टअप वाले वो नए नए आइडियाज़ यू नो रखते हैं और उन आइडियाज़ के हिसाब से वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एक है एंजल फाइनेंसिंग ये भी एक तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलता जुलता है राइट right? एंजल मतलब वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जैसे कि एंजल बन के आता है और आपको रिक्वायर्ड फंडिंग देता है चलिए इन सबको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं पहला हमारा फोकस रहेगा ओनर्स फंड पे ओनर्स फंड में सबसे पहला पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट है फंड में इक्विटी में वो ये है कि इट इज़ अ कैपिटल देखो इसको समझो फंड है इसका क्या मतलब एक बार अगर आपने इक्विटी कैपिटल इश्यू कर दी है तो इस इक्विटी कैपिटल को आपको कभी भी इन्वेस्टर को वापिस लौटाने की जरूरत नहीं है सुनिए मेरी बात कभी भी इन्वेस्टर को वापिस लौटाने की जरूरत नहीं है हाँ अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ राइट कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ या कंपनी क्लोज डाउन हुई कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ या कंपनी क्लोज डाउन हुई तो शायद आपको ये परमानेंट कैपिटल को लौटाने की जरूरत पड़ सकती है अदरवाइज ये परमानेंट कैपिटल को कभी भी आपको वापिस लौटाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों तो ये एक फ़ायदा है जो कैपिटल कभी लौटा नहीं ना हो कितना अच्छा वो इस्तेमाल करते ही जाओ नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बट दिस इज हाई रिस्की कैपिटल इसके जो इन्वेस्टर है उनको ऊपर हाई रिस्क होता है यानी इन्वेस्टर यानी कि यहां पर हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स के सर पे यहां पे हाई रिस्क होता है पता है क्यों क्योंकि एक तो ये कैपिटल कभी वापस नहीं आने वाली और इस कैपिटल के ऊपर इस कैपिटल के ऊपर कोई फिक्स रिटर्न भी नहीं होता है अगर कंपनी अर्न करेगी तो मिलेगा कंपनी अर्न नहीं करेगी तो शेयर होल्डर को शायद कुछ भी ना मिले इवन कैपिटल को भी गवाने की बारी आए ऐसा हो सकता है तो दिस इज हाई रिस्क कैपिटल टू इन्वेस्टर और इसीलिए हाई रिस्क है तो इसके जो शेयर होल्डर्स है इसके जो इन्वेस्टर है वो हाई रिटर्न भी मांगते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा बड़ा होता है और एक बात जो इसके अंदर मैं करना चाहता हूं वो है तो हम जो डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को क्या किया पे? होल्डर को पे, पे किया जाता है बच्चों रिटर्न के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न के तौर पे डिविडेंड पे किया जाता है दिस डिविडेंड इज नॉट इनकम टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर यानी डिविडेंड जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता नहीं है दोस्तों किसी भी तरह का इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है बच्चों पहले प्रॉफिट में से मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा पहले आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है पीबीटी का मतलब क्या निकालेंगे बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें से टैक्स को माइनस किया जाता है फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही डिविडेंड चुकाना पड़ता है इसका मतलब हमें पहले गवर्नमेंट को टैक्स भी चुकाना पड़ता है और टैक्स चुकाने के बाद ही हम डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है ओनर्स फंड के साथ और जैसे जैसे आप नए नए शेयर्स इश्यू करते जाओगे वैसे वैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट होता है राइट न्यू शेयर्स डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सी सभी के सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनर्स के नाम से जाने जाते कलेक्टिवली राइट right? कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता एवरी डिसीजन इन अ कंपनी इज टेकन ऑन द बेस ऑफ मेजोरिटी तो अगर एक इक्विटी शेयर होल्डर कुछ भी चीज डिसाइड कर लेता है तो उसका कोई असर कंपनी के ऊपर नहीं होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई डिसीजन लिया जा सकता नहीं है आप सोचिए जरा जितने नए नए इक्विटी शेयर आप इश्यू करते जाओगे उतने ही नए नए लोग आते जाएंगे नए नए ओनर्स बनते जाएंगे और नए नए ओनर्स अगर बनते गए तो कंट्रोल पहले के मुकाबले और डाउन होता हुआ नजर आएगा तो ये था पहले ओनर्स फंड के बारे में ओनर्स फंड के बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड का पॉइंट एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड में देखते हैं क्या पॉइंट्स है देखिए डिबेंचर एंड बॉन्ड ये सब जो है ना वो कुछ नहीं है वो बोरोड कैपिटल है हमने कहीं से पैसा उधार लिया है एक तरीके से लोन जैसा ही हुआ ये बोरोड कैपिटल है ये चीपर देन इक्विटी कैपिटल होती है क्योंकि ये बोरोड कैपिटल को हमें कभी ना कभी रिडीम करना ही पड़ता है ये रिडीमेबल कैपिटल होती है इक्विटी रिडीमेबल नहीं था लेकिन डेट तो रिडीमेबल है डेट कभी भी इंडिया में इ हो सकता नहीं है तो रिडीमेबल है सामने वाले को रिस्क इक्विटी से कम है यानी थोड़ा चीपर कैपिटल है इक्विटी से सस्ते में मिल जाता है एक बात हमें ये नोट करनी है इसके फीचर में कि इसका जो इंटरेस्ट है वो हैज टू बी पेड है इवन इन द केस ऑफ लॉस एक पहली बात समझो इसमें फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आपने बैलेंस शीट में कभी पढ़ा हो अकाउंट्स के अंदर तो आप हमेशा ऐसे लिखते थे कि 15 परसेंट डिबेंचर अगर आपको याद हो तो आप हमेशा डिबेंचर के आगे उसके परसेंटेज को भी लिखा करते थे क्यों ऐसा करते थे बच्चों इससे ये पता चलता था कि ये डिबेंचर जो 15% परसेंट के है वो फिक्स परसेंटेज के डिबेंचर है यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो फिक्स परसेंटेज पे पे करना ही पड़ेगा फिक्स परसेंटेज में पे करना ही पड़ेगा सो इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड इवन इन केस ऑफ अ लॉस ये भी एक कंपनी को नुकसान हो सकता है लेकिन एक फायदा भी है इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है जब हम इंटरेस्ट चुकाते हैं यानी इंटरेस्ट को पहले एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो फिर इंटरेस्ट काटने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है सुनिए मेरी बात इंटरेस्ट काटने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है यानी हमें इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है थोड़ा टैक्स हमें कम चुकाना पड़ता है नेक्स्ट इज हाई रिस्क इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड रीपेमेंट है ये मैं यूँ समझाना चाहूँगा कंपनी ने डिबेंचर इश्यू तो कर दिए लेकिन उस डिबेंचर का रिडेम्शन करने के लिए आपको फंड्स पहले से तैयार रखने पड़ेंगे रिडेम्पशन आ गया और कंपनी के पास अगर फंड नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट की भी कई सारी पेनल्टी प्रोविजंस लग सकती है और डिबेंचर होल्डर जितने आप ज़्यादा बोरो करोगे जितना ज्यादा पैसा लेके आओगे उतना वो कंपनी के कंट्रोल में बीच बीच में आएंगे हर मीटिंग में भी डिबेंचर होल्डर आएंगे वो कहेंगे भाई हमसे आपने पैसा लिया है तो उस पैसे का कहाँ यूज़ कर रहे हो कैसे कर रहे हो ये सब वो पूछेंगे आपसे पूछेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा तो डिसीजन मेकिंग डिले होता रहेगा तो ये भी एक डिबेंचर बॉन्ड या बोरोड कैपिटल लेने का बहुत बड़ा नुकसान है कि कंट्रोल में वो अपना हिस्सा लेते हैं और उसकी वजह से हर एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बहुत ही डिले होती है बच्चों आफ्टर देस हम बात करने वाले कमर्शियल बैंक्स के बारे में जो कि हमको लोन देगी तो कमर्शियल बैंक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोन के अलावा और क्या क्या चीजें देती है तो इसकी दो तरह की सर्विस होती है बच्चों एक होती है फंड बेस्ड सर्विस एंड दूसरी होती है नॉन फंड बेस्ड सर्विस अगर फंड बेस्ड सर्विस की बात करूं तो इसमें आपको कैश क्रेडिट मिल सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है टर्म लोन्स मिल सकता है इसको हम सिंपली लोन कहते हैं वर्किंग कैपिटल का लोन मिल सकता है बैंक बिल परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी देती है मैं फटाफट अगर एक एक के बारे में बात करूं, जो कि आगे जाके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर की थियरी में बहुत डिटेल में आने ही वाला है तो अभी हम खाली इसके नाम और इसका बेसिक मीनिंग भी अगर याद रखेंगे तो बच्चों एक बार चल जाएगा देखिए कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट मतलब गवर्नमेंट बैंक uh, जो है वो आपके पासबुक में कुछ पैसा लोन के नाम पे या कैश क्रेडिट के नाम पे क्रेडिट कर देगी फिर आप उसमें से पैसा इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा पूरे के पूरे कैश क्रेडिट पे अमाउंट पे ये ध्यान रखना बैंक ऑडर की बात करूं तो इसमें भी बैंक आपको एक तरह की लोन ही देती है बट इसमें आपकी पासबुक पे पैसा क्रेडिट नहीं होता है आप अगर आपकी पासबुक के या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट का अगर चेक लिख देते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर आपकी पासबुक या आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस जाता है नेगेटिव बैलेंस जाता है लेकिन इंटरेस्ट उतने ही अमाउंट पे गिना जाता है जितना बैंक ओवरड्राफ्ट आपने यूज़ किया है सपोज़ बैंक ने आपको वन करोड़ रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट दिया लेकिन उसमें से आपने ओवर चेक जो लिखे वो ट्यू द ट्यून ऑफ ओनली फोर्टी लैक्स लिखे हैं तो जनरली बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो फोर्टी लैक्स पे ही करती है पूरे वन करोड़ पे नहीं लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं है कैश क्रेडिट में अगर बैंक्स ने आपको वन करोड़ का कैश क्रेडिट दिया तो आप चाहे उसमें से फोर्टी लैक्स का ही इस्तेमाल क्यों ना करो जनरली बैंक्स वन करोड़ के ऊपर पूरा इंटरेस्ट लगाती है ये थोड़ा बहुत बैंक टू बैंक कई बार चेंज हो सकता है बच्चों इसके बाद है बिल परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग अच्छा टर्म लोन तो आप जानते ही हो फिक्स रेट पे लोन मिलती है वर्किंग कैपिटल लोन जी जी जनरली ये जो टर्म लोन होती है ना बच्चों वो लॉन्ग टर्म लोन होती है और वर्किंग कैपिटल की जो लोन होती है बच्चों वो जनरली शॉर्ट टर्म की लोन होती है होती दोनों ही लोन है बिल परचेसिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल के बारे में अगर आप अकाउंट्स में जानते हो तो बैंक जो है वो बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करके उसके सामने भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है जनरली सेलर को ये सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर की थियरी करेंगे तो उसमें तो आने ही वाला है अभी हमें सिर्फ इसके नाम अगर और थोड़े बेसिक पॉइंट भी याद रहते तो चलेगा फंड बेस्ड सर्विस के बाद दूसरी है नॉन फंड बेस्ड सर्विस उसमें दो तरह की सर्विस है गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे मान लो मुझे अगर कहीं से गुड्स खरीदना है लेकिन जो सेलर है वो मुझे क्रेडिट देने को तैयार नहीं है क्योंकि मैं और सेलर अननोन पार्टी है एक दूसरे के लिए तो क्या है कि मेरा सेलर मुझसे ये कह रहा है कि यार मैं तुझे गुड्स देना तो चाहता हूँ इवन आई वांट टू सेल यू द गुड्स बिकॉज अल्टीमेटली वाई माय सेल विल इंक्रीज सो माय प्रॉफिट विल इंक्रीज but i cannot put trust in you because you are a new party for me we have never done any transaction in the past can you please give me the bank guarantee Ab dekho kya hoga. if suppose i am a good client of my bank i have a good reputation in the market i will go to my bank i will ask my bank to issue one guarantee letter to the seller bank will write down on my behalf bank will put such a word i am just giving you a basic example that i am giving you the guarantee for the payment in case me myself do not make the payment to the seller after this much of credit period so bank ne guarantee le li ab socho कोई भी आदमी किसी और आदमी के ऊपर भरोसा ना करे लेकिन bank तो पूरा बड़ा सा financial institution है बैंक पे तो भरोसा करेगा ही तो गारंटी लेटर की वजह से ये ट्रांजेक्शन फुलफिल हो पाएगा मुझे जहां से परचेज करना है वो बैंक गारंटी की मदद से मैं परचेस कर पाऊंगा बच्चों जैसे ये गारंटी लेटर जो है ना वो जनरली आपका जो है वो कंट्री टू कंट्री के ट्रेड में चलता है मतलब मैं इसको यूं कहूंगा कि आपका यू नो कंट्री ट्रेड हो कंट्री के अंदर का ही ट्रेड हो कंट्री ट्रेड या लोकल ट्रेड अगर मैं कहूँ राइट right, तो उसके अंदर ये चलेगा लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में चलता है राइट इंटरनेशनल ट्रेड में चलता है जैसे कि मैंने गारंटी की बात की वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरह का गारंटी लेटर ही है लेकिन ये गारंटी जो प्रोवाइड की जाती है वो यू नो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है ऑन द ऑन द यू नो साइनिंग और ऑन द ड्यूटी ऑफ अ इम्पोर्टर मैं इम्पोर्टर हूँ मुझे अमेरिका से कुछ गुड्स को परचेस करना है राइट तो अमेरिका का जो व्यक्ति है वो एक्सपोर्टर हो गया अब मैंने उसे कहा कि सर मुझे आपसे कुछ गुड्स को इम्पोर्ट करना है उसने कहा सर गुड्स तो मैं भी देना चाहता हूं, लेकिन मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों अलग पार्टी है हम दोनों ने आज से पहले कभी साथ में काम नहीं किया है तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा और कहूंगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के दो वो लेटर ऑफ क्रेडिट मैं पास ऑन कर दूंगा मेरे सेलर को और बैंक्स जो है उसकी भी दोनों जगह पे ब्रांच होगी इंडिया में भी ब्रांच है और मान लो यूएसए में ब्रांच है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक उसकी इंडिया में भी ब्रांच है यूएसए में भी ब्रांच है तो आई की इंडिया की जो बैंक है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देखी मेरे बिहाफ पे कि अगर मैंने एज अ परचेज़र एज अ इम्पोर्टर पैसा नहीं चुकाया उस यूएसए वाले एक्सपोर्टर को तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से आगे जाके पैसा चुका दिया जाएगा एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से ही पेमेंट होता है उसमें फिर मुझे पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है मैं जो पैसे चुकाऊंगा वो इंडियन आईसीआईसीआई बैंक को चुकाऊंगा और उसी ICI से बैंक की फॉरेन ब्रांच से पैसे मिल जाएंगे मेरे एक्सपोर्टर को। तो इन नटशेल बैंक समटाइम्स बिकम इंटरमीजिय मैं इसको यूं समझाना चाहूंगा कि दो पार्टी है परचेजर एक है राइट right? एंड दूसरी जो पार्टी है वो सेलर है अब ये परचेजर एंड सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन तभी मुमकिन होगा जब इन दोनों के बीच में ट्रस्ट पैदा हो ट्रस्ट के बिना प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजेक्शन मुमकिन नहीं है तो इन दोनों के बीच में ट्रस्ट को पैदा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स आ जाती है इन दोनों के बीच में ट्रस्ट को पैदा करने के लिए कमर्शियल बैंक आ जाती है और इन दोनों के बीच के इंटरमीजरी का वो काम करती है जिससे वो ट्रांजेक्शन फुलफिल हो पाए तो ऐसी भी सर्विसेज है जो कमर्शियल बैंक देती है जिसमें फंड कई बार इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम नॉन फंड बेस्ड सर्विस चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वेंचर कैपिटल के बारे में देखिए वेंचर कैपिटल भी बहुत इजी है इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं वो रिस्क उठाते हैं लेकिन रिस्क उठाने से पहले ये चेक करते हैं कि आपके आइडिया में कितनी क्वालिटी है अगर आपके पास एक क्वालिटेटिव आइडिया है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में पैसे लगाने के लिए या आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है राइट right? नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर वायाबिलिटी कोई भी वेंचर कैपिटल इस ये नहीं देखता कि तुरंत आपका बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है दे ऑलवेज थिंक अबाउट मीडियम टर्म और अ लॉन्ग टर्म पीरियड के जो न्यू आइडिया है यू नो कई बार नया आइडिया एकदम वेग लगता है राइट लेकिन फ्यूचर स्टिक होता है फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ती है जैसे मान लो एटीज और सेवनटीज के अंदर इस तरीके से वीडियो परचेस करके वीडियो से पढ़ने का तरीका अगर किसी के सामने हम रखते तो बहुत ही वेग लगता बट आज की तारीख में आप खुद ये वीडियो को परचेस करके पढ़ रहे हो मतलब कि ये फ्यूचर स्टिक आइडिया तो था ही राइट तो उस टाइम पे अगर कोई ई-लर्निंग का आईडिया निकलता 1780s में तो उसको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन अगर आज की तारीख में कोई न्यू आइडिया लेके राइट न्यू अ न्यू अलग तरीके के सिस्टम लेके अगर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है तो शायद फ्यूचर वायबिलिटी जैसे 5G नेटवर्क आने वाला है उससे इंटरनेट की स्पीड और और बढ़ेगी तो ई e लर्निंग और आगे बढ़ेगा तो ऐसी फ्यूचर वायबिलिटी को ध्यान में रख के भी तो यू नो कैश फ्लो डिज़ाइन किए जा सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा और उसी कैश फ्लो के बेस पे उसी कैश फ्लो के एक्सपेक्टेशन के बेस पे हो सकता है कि यू नो फंड दिए जाए सो फ्यूचरिस्टिक आइडिया होते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो फिक्स रिटर्न पे पैसा होता है जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टनरशिप में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा एक करोड़ रुपया आपके बिजनेस का फोर्टी परसेंट मेरा होगा मैं मैनेजमेंट में कोई रोल पार्ट नहीं करूंगा मैं शायद मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ नहीं करूंगा मैं सिर्फ पैसे लगाऊंगा और फोर्टी परसेंट का पार्टनर बन जाऊंगा या हो सकता है कि फिक्स रिटर्न डेट की तरह भी पार्टनर बने व्हाट एवर यू डू जो फंड मैं आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर एटीन परसेंट पर ईयर मुझे मिलना चाहिए इस तरीके से भी वेंचर कैपिटलिस्ट काम करते हैं बच्चों राइट वेंचर कैपिटलिस्ट में आपको एक बात है कि हर एक डिसीजन लेने से पहले जिनका कैपिटल लगा है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है यानी थोड़ा सा सेक्रीफाइस ऑफ कंट्रोल तो वेंचर कैपिटल के अंदर भी बच्चों आता है तो यस अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो आप एज अ पार्टनर वेंचर कैपिटलिस्ट को एंटर कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट में कई बार ऐसा भी होता है के पेटेंट या तो फॉर्मूलास भी शेयर किए जाते हैं म्यूचुअल सीनर्जी के लिए देखो इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं तो मारुति सुजुकी बरसों से ये दो कंपनी जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही राइट मारुति सुजुकी तो सुजुकी का टेक्नोलॉजी है मारुति के प्रोडक्शन प्लांट्स है ये दोनों मिल के कार बना रही है तो ये एक तरीके से जॉइंट वेंचर ही हो गया तो जॉइंट वेंचर में कभी कभी पेटेंट्स एंड फॉर्मूला को भी एक्सचेंज किया जाता है बच्चों वेंचर कैपिटल के बाद नेक्स्ट है एंजल फाइनेंसिंग देखो एंजल फाइनेंसिंग भी वेंचर कैपिटल जैसा ही है इसमें भी देखिए क्या होता है इन एंजल फाइनेंसिंग वेल्थी इंडिविजुअल्स जो होते हैं बहुत अमीर लोग जो होते हैं जिनके पास कैपिटल होती है काफी कुछ यू नो पास्ट बिजनेस से जो अन करके बैठे हैं सो so, ऐसे वेल्थी इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप और एक्सपांशन के लिए राइट इसके अंदर भी ओनरशिप या तो आपको इक्विटी देनी पड़ती है कोई भी एंजल फाइनेंसर अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा तो या तो आपको उसको इक्विटी का हिस्सा देना पड़ेगा या तो बिजनेस की ओनरशिप उसको देनी पड़ेगी टिपिकली ये जो एंजल फाइनेंसिंग होता है ना बच्चों वो 25 परसेंट से 60 परसेंट के आसपास होता है टिपिकली ये 25 परसेंट से 60 परसेंट के आसपास होता है कभी भी 100 परसेंट एंजल फाइनेंसिंग पॉसिबल नहीं है अब एक बात समझिए मैं अगर एक नया आइडिया लेके एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ तो पहले तो मेरी कुछ कैपिटल उसमें लगी होनी चाहिए ना किसी भी व्यक्ति से मैं फाइनेंस मांगने जाऊंगा तो वो क्या देखेगा कि भाई आपका खुद का रिस्क कितना है ये बताओ अगर आपका खुद का रिस्क अगर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट भी है तो हम बाकी का पैसा आपको देने को तैयार है प्रोवाइडेड दैट कि आपके आइडिया हमें दम है लेकिन मैं कहूँ सर मेरा खुद का कोई पैसा ही नहीं है हंड्रेड पैसा आपको ही देना पड़ेगा ये मेरे हिसाब से कहीं सही नहीं बैठेगा लास्ट ऑप्शन है ये स्टार्टअप के लिए जो बैंक फाइनेंसिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते प्लीज इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझिए ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जस्ट पैसे देने वाले इंसान को आपको बिजनेस का ओनर बना देना पड़ता है पैसे देने वाले इंसान को आपको बिजनेस का ओनर बना देना पड़ता है सोचो जरा पैसों के बदले ओनरशिप सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए कल को हमारा बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल हो जाए तो विदाउट एनी आइडिया विदाउट एनी एग्जर्शन कोई भी व्यक्ति हमारा ओनर बनके हमसे हिस्सा मांगेगा तो जनरली तो डेट फाइनेंसिंग की बेस्ट रहता है बट कई बार कोई स्टार्टअप होते हैं नए नए एंट्रप्रीनियर होते हैं उनके पास ना क्रेडिबिलिटी होती है ना क्रेडिट स्कोर होता है ना कई बार सिक्योरिटीज होती है तो बैंक फाइनेंस के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं तो बैंक फाइनेंस ना मिले उस केस में क्या किया जाए अगर बैंक फाइनेंस ना मिलता हो उस केस में क्या किया जाए तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही आइडिया है कि आप किसी ऐसे एंजल को किसी ऐसे वेल्दी इंडिविजुअल को ढूंढो जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए सिर्फ पुराने ज़माने में ये सब होता था पुराने ज़माने में खाली इतना बड़ा और भारी भारी सा वर्ड नहीं था एंजल फाइनेंसिंग लेकिन लोग अपने रिलेटिव से या अमीर रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेके बिजनेस करने की जो कोशिश किया करते थे वो भी एक तरीके से एंजल फाइनेंसिंग जैसा ही हुआ ना बच्चों सो so, है कंसेप्ट पुराने ही लेकिन उसको नए तरीके से इंग्लिश में बहुत अच्छी यू नो लैंग्वेज के साथ आपके सामने से पेश कर रहा हूँ बच्चों तो ये थे आपके प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के कुछ पॉइंट्स उसके बाद हमें बात करनी है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में देखिए फंड तो आपके पास आ गया लेकिन हमेशा याद रखना है कि फंड मुफ्त में नहीं आता हर एक फंड की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है जैसे अगर आप अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो इस कॉस्ट का नाम हो जाएगा इंटरेस्ट बैंक मुफ्त में पैसा नहीं देती इंटरेस्ट चार्ज करेगी कोई अपनी खुद की कैपिटल लेके आता, ले आता है तो ओनर्स कैपिटल भी फ्री नहीं होती है मेरे बिजनेस में दस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है सामान तो ये दस लाख रुपए अगर मैं अपने घर से भी लेके गया हूं ना तो ये पैसा बिजनेस में स्टक हो जाएगा बिजनेस में फंस जाएगा इस दस लाख को अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगर इस दस लाख को मैं बिजनेस में में नहीं लगाता, तो किसी और जगह पे लो 6%, बैंक में FD कर देता तो सिक्स परसेंट मुझे इंटरेस्ट मिलता तो इसका मतलब दस लाख के ऊपर सिक्सटी थाउजेंड का मुझे पर एन का इंटरेस्ट का इनकम होता कि नहीं होता अब बिजनेस में पैसा लगाने की वजह से ये सिक्सटी थाउजेंड जो मुझे इनकम हो सकता था अब वो नहीं होगा ये सिक्सटी थाउजेंड जो मुझे इनकम हो सकता था अब वो नहीं होगा तो ये भी तो मेरा एक कॉस्ट हो गया ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप कहीं से भी फंड लेके आते हो कुछ भी फंड लेके आते हो ध्यान रखो उस फंड का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बच्चों राइट आगे देखते हैं इफ द इन्वेस्टमेंट कैन नॉट अर्न मोर देन दैट कॉस्ट देन देर इज नो एनी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग बिकॉज इट विल क्रिएट क्रिएट नेट लॉसेस बच्चों इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैं इसे क्या नाम देता हूं ध्यान से देखिए इसे नाम देना चाहता हूं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये भी फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है देखो बात बहुत ही सिंपल सी है अगर इसको शुद्ध सिंपल देसी भाषा में समझाऊं तो आपको कोई भी एक्टिविटी करने की कॉस्ट कम लगनी चाहिए और उस एक्टिविटी से बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए मतलब मान लो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिट हो गया और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट हो गया तो आपके लिए जो कुछ हिस्सा बचा ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा सो इट्स सो ईजी आने वाला पैसा बड़ा होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए और जाने वाला पैसा छोटा होना चाहिए कम होना चाहिए ये देखना बहुत ज़रूरी अब अगर बेनिफिट कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो तो लॉस करने के लिए थोड़ी बिजनेस करोगे तो ये भी आपको देखना है कि फंड जो आप लेके आए हो वो उतना तो अर्न करे कि जो कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हो एटलीस्ट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे पहुंचना तो इनिविटेबल है ना किसी भी मान लो आप बैंक से लोन लेके बैठे हो बैंक आपको 12 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है अगर उस लोन के पैसे का इस्तेमाल आप ऐसे ना कर पाओ कि जिससे कम से कम 12 परसेंट आपका रिटर्न हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी लोन के पैसे से कम से कम 12 परसेंट तो आपको अन करके देना पड़ेगा ना बच्चों तभी जाके आप उस बिजनेस में कुछ वायाबिलिटी लेके आप आओगे और अगर मान लो ट्वेल्व की जगह पर आप ट्वेंटी अन करते हो ट्वेल्व परसेंट काटके एट परसेंट आपका बेनिफिट हो जाएगा ना बच्चों सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना जरूरी है दो तरीके से फंड लगते हैं एक लगता है फिक्स एसेट में फंड बिजनेस के राइट और दूसरा लगता है बिजनेस की वर्किंग कैपिटल में तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स एसेट उसमें आपको बच्चों ध्यान रखना है कि फंड जो है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करने है राइट फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन टू प्रिजर्व द सॉल्वेंसी ऑफ द फंड किसी भी बिजनेस की सॉल्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसकी बैलेंस शीट को देखे तो उनको ये लगे कि दिस फर्म हैज द प्रॉपर पावर टू पे ऑफ ऑल इट्स लायबिलिटी म हैज अ प्रॉपर पावर टू पे ऑफ ऑल इट्स लायाबिलिटी वो सॉल्वेंसी है तो फिक्स एसेट अच्छी खासी आपके पास होनी चाहिए जिससे सोल्वेंसी बनी रहे सेकेंड है कैपिटल बजेटिंग टेक्निक का यूज करना है अब देखना फाइनेंस में पूरा एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या तो कैपिटल बजेटिंग तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट को बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ और अच्छा बनाता है और उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है दूसरा हम देखेंगे फिक्स एसेट की जगह पे दूसरा जब पैसा लगता है तो वो वर्किंग कैपिटल पे लगता है तो मैं कहूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल भी प्रॉपर होना चाहिए सी वर्किंग कैपिटल इज लाइक अ ब्लड इन द बॉडी वर्किंग कैपिटल फॉर द बिजनेस इज लाइक ब्लड इन द बॉडी कहने का मतलब क्या आप देखिए खाली आप एक कार खरीद लेते सपोज यू हैव अ मनी टू परचेज अ कार तो क्या कार खरीद के आप खुश हो जाएंगे कार खरीद के कार ऑटोमेटिक कार चलना शुरू हो जाएगी द आंसर इज नो कार को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल की अब समझो फाइनेंस की दुनिया में ये कार है वो फिक्स एसेट की जगह लेती है लेकिन ये पेट्रोल जो है ना वो वर्किंग कैपिटल की जगह लेता है तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए खाली फिक्स एसेट को ही खरीद लेना काफी नहीं होता है फिक्स एसेट तो आपने खरीद ली लेकिन उस फिक्स एसेट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए जैसे प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज तो आपने खरीद ली आपने प्रोडक्शन करने के लिए पूरी फैक्ट्री तो लगा दी लेकिन वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल वर्कर को पैसा चुकाने के लिए वेजेस डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल राइट ये सब करने के लिए भी तो पैसा लाना पड़ेगा वो भी एक तरह की कैपिटल हो गई जो जिसको कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वर्किंग कैपिटल की भी ऐसी ऑप्टीमल पॉलिसी आपको डिजाइन करनी है मेक ऑप्टीमल पॉलिसी विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट भाई वर्किंग कैपिटल भी अगर कहीं से लाया है कोई भी कैपिटल आप कहीं से लाए हो उसकी कॉस्ट होती है तो मिनिमाइज करे कॉस्ट को एंड ऑल्सो इम्प्रूव द लिक्विडिटी बिजनेस के पास उतना पैसा रहे उतनी करंट एसेट्स रहे कि जिसकी वजह से बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी खासी हेल्दी बनी रहे ये भी हमें वर्किंग कैपिटल में देखना है वैसे बच्चों में एक आपको सिंपल सी मैथमेटिकल डेफिनेशन या अकाउंटिंग डेफिनेशन भी वर्किंग कैपिटल की दे दूँ वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायाबिलिटी हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो करंट एसेट्स लिखते हैं जिसमें डेटर आ जाता है इन्वेंटरी आ जाता है कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है ये सब चीज़ें करंट एसेट में आती है उसमें से हम लायबिलिटी साइड पे रखी हुई करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं कुछ तरह की प्रोविजंस आ जाती है लाइक इनकम टैक्स प्रोविजन ये सब माइनस करेंगे जो नेट पैसा मिलेगा वो पैसा हम कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल होता है तो वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी बनाने के लिए एक अलग से पूरा एफ में चैप्टर है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो उस चैप्टर में जब हम जाएंगे जब इस चीज के बारे में में भी हम ध्यान से सीखेंगे तो यह है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड बच्चों